ये देखो इस मोबाइल में आपको पता चल रहा होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम सरसों का तेल निकलवा के लेके आए, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, कितनी सरसों में कितना ऑयल निकला, कितना तेल निकला, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, चलो नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितने कितने किलो सरसों में कितना तेल निकलता है, और इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो तेल है वो कितना निकला। तो इस वीडियो में बने रहे, हम बताऊंगा आपको। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करना, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, और आपको जो मोटा मोटा है आइडिया वो सरसों के तेल के बारे में मिल सके, अंदाजा है वो लग सके। तो हमारी जो सरसों ही वो 56 किला ही 56 किला थी, और उसमें जो तेल निकला है वो 17 किला तेल है वो निकाला गया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑयल सरसों का बिल्कुल प्योर, देख सकते हो आप, ये 17 लीटर तेल है। ये मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ आपको, ये पैकिंग वगैरह, ये देखो मोबाइल में आपको पता चल रहा होगा, एकदम प्योर है। तो इसमें जो भी किसान भाई है, इसमें इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरसों का तेल जो कितना निकलता है, कितना किलो सरसों में इतना तेल निकलेगा। तो अब इसमें वो आपका क्वेश्चन होगा, इसमें खल वगैरह कितनी निकली है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा वो खड़ का गट्टा जिसमें सरसों की खड़ है, ये देख सकते हो आप, ये 38 किलो 38 किलो सरसों का की खड़ वगैरह निकली है, ये देख लो अभी भी गर्म है, चिकना सा रखा है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा मोटा मोटा कि कितनी सरसों में कितना कितना तेल निकलता है। तो इससे जो भी किसान भाई है वो कहीं पर जाकर तेल निकलवा सकता है अपना। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जो भी तेल निकलवाने जाए वो उसके पास में रहकर ही तेल निकलवाए, क्योंकि आजकल बेईमानी इतनी होने लग गई है, पता नहीं चलता, सेकेंडों में सरसों बदल देते हैं, तेल बदल देते हैं। तो यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी सरसों का तेल निकलवाएं उस गाड़ी के पास रहकर निकलवाएं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और कभी भी आप अगर वो कहे कि सरसों का खल आप बेचना चाहते हो, तो उनको मत देना, क्योंकि वो आपको तेल उसमें पहले ही आप कह दोगे ना कि हमें तो सरसों की खल बेचनी है, तो वो उसमें तेल कम निकालेगा और आपसे पैसे सरसों के किलो के हिसाब से ले लेगा, और बाद में उसी सरसों को आपसे लेकर सस्ते दाम में उसी उसी को दोबारा उसी उसी गाड़ी से निकाल कर उसमें तेल निकाल लेगा। तो आपको कभी उस सरसों का जो सरसों की खल होती है उसको उनको बेचना नहीं है। आपको एक बात ध्यान ध्यान में और रखनी है, सरसों का तेल निकालने वाले होते हैं वो, उनको देखना वो कितनी बार इस सरसों की जो खल होती है उसको उस मशीन के द्वारा टपाते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो अगर एक दो बार टपाएंगे तो आपकी सरसों में से जो खड़ है जो जो सरसों की खड़ होती है उसमें से जो तेल वगैरह निकलता है वो कम निकलेगा। उसको आप कोशिश करें उसको
चार पांच बार उस घानी से निकलवाएं ताकि उसमें से पूरा ऑयल निकल सके। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस ब्लॉग के माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम तेल सरसों का निकलवा के आए हैं। हमारी सरसों 56 किला थी, उसमें 17 लीटर तेल निकला है और 38 किलो खल निकली है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे किसान भाई इतने होशियार नहीं होते हैं, वो लोग तेज होते हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें।